ये देखें जी, अभी मैंने पानी रखा है और वो छोटे बच्चे ने नहाना शुरू कर दिया पानी में। अब पास मैं इसलिए नहीं जा रहा, मैं पास गया तो ये पानी से बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जी कोई 7 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेटअप की तरतीब थोड़ी ख़राब हुई हुई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो चले आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं, दिखाते हैं आपको सारे बर्ड्स। अभी पहले इन्हें इसमें पानी डालते हैं। तो ये जी आ गया इनका दाना पानी। सबसे पहले निकालते हैं ज़ोंबीज़ को और छोटू गैंग को। ये भूखे हुए होंगे अभी। इसके बाद ये तो निकलते ही पानी पीने लग गए, सारा दिन पानी पीते रहते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। और इसके बाद इस मुर्गी को निकालते हैं। आज ही मैंने इनको इस केज में रखा है, इससे पहले ये अंदर थे, तो इसे निकालते हैं अभी। ये आ गया जी हमारा पिकाचू, और ये आ गया जी कालिया का जो है सबसे बड़ा वाला चूज़ा जो सबसे पहले आया था। कालिया बोल गया, सॉरी राजू का बच्चा है वो, राजू भी नहीं, राजा नाम है इसका। और ये जी हमारे सेटअप पे आज न्यू एंट्री हुई है, पिजन्स ले गए हैं हम। आप देखें ये माशाल्लाह कितना प्यारा पिजन है, चार ही हैं अभी। इसके साथ का एक और लाएंगे, ये जो है एक तो फैंसी का पेड़ है और ये वाला जो है ये हाई फ्लायर है। हाई फ्लायर हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का नहीं है, हम जो है फैंसी लाएंगे। ये जी ब्रावो इस केज में आ गया, और इसके साथ साथ एक ये और चूज़ा जो है न्यू आया हमारे पास, रानी बाहर आ गया चूज़ों के साथ। और ओरियो और उसकी माँ भी अंदर है। रानी को बंद करेंगे तो फिर इन्हें खोलेंगे। ओरियो की जो है तबीयत आज मुझे थोड़ी ख़राब लग रही है। और जो ये हमने जो बजीज थे हमारे, ये भी ख़त्म कर दिए हैं, एक पेयर हमने खुद रखा है, बाकी हम दिए हैं बजीज। ये जी कॉकटेल्स हमारे, इनमें जो है बॉक्स लगाने लगा था मैं, लेकिन फिर अचानक से दोबारा गर्मी पड़ने लग गई है, तो इस वजह से मैंने बॉक्स नहीं लगाया इनका। इसको देखें कोको, कोको को काफ़ी दिन हो गया मैंने बाहर नहीं निकाला, और इनमें से भी किसी को मैंने बाहर नहीं निकाला। आज सब के केजेस की सफाई की है मैंने, सब जो है अभी थोड़ा सा जो है ना गर्मी हो गई है, इस वजह से सारे खामोश बैठे हुए हैं। और इधर आ गया जी हमारा कालिया, यहाँ पे थी पहले वो रानी, वो देखें राजा कितना उतावला हुआ है खाने के लिए। अभी जो है इसे भी निकाल लेते हैं, इसे मैं इस वजह से नहीं निकालता, मुर्गी फिर जो है ना इसके नेह पर आ रहे हैं, मुर्गी इसके ऊपर खा जाएगी। और इसका जो है ना एक टांग भी मेरे ख्याल से ज़ख्मी हुई भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसे पता नहीं क्या हुआ है, इसका जो है ना खून निकल रहा है, इसे मैं चेक करता हूँ निकाल के। अच्छा जी अभी मैंने खोला इसे और सही से चेक भी नहीं किया इसे मैंने, और इसने देखें सारा दाना गिरा दिया। छोटू गैंग जो है ये काफ़ी दिन के बाद आज इस पिंजरे में जा रहे हैं, इन्हें मैंने छोड़ा हुआ था पिंजरा क्योंकि काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, तो काफ़ी दिन बाद ये आज इस पिंजरे में गए हैं। इसको भी अभी निकालते हैं, बल्कि इन्हें यहाँ भी पहले दाना डाल देते हैं। इसके जी कोई काम सीधे नहीं है, ऐसे बंद ही कर देते हैं। जब मुर्गी को बंद करेंगे रानी को, फिर इसे निकाल लेंगे, ये ना हो कि इसकी वजह से जो है चिक्स का नुकसान हो जाए। ये जी दाना आ गया पिजन्स का, इनको पहले खोलते हैं यहाँ से, और इसको देखें ये कालिया का बच्चा है और अब सुकून से दाना खा रहा है। ये हमारा एक आ गया पिजन, ये माशाल्लाह कितना प्यारा है, देखें इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। और ये देखें ये चूज़ा जो है ये शुरू से जो है ना कबूतरों के साथ बड़ा हुआ है, तो इस वजह से कबूतरों से डरता भी नहीं है, और अभी ये इससे थोड़ा सा डर है कालिया के बच्चे से। ये देखें जी ये वाला जो है ये थोड़ा सा बीमार है, तो ये हम एक्सचेंज करवा लेंगे किसी से, ये किसी को दे के, तो इसके साथ का ना एक और ले आएंगे, और वो जो है वो भी छोटा बच्चा है। ये जी आ गया दाना कालिया के लिए, ये थोड़ा सा खाता है बाकी सारा ज़ाया कर देता है। अभी ये अपनी पुरानी जगह पे आ रहे हैं,
ये पहले इस केज में दे और इसको भी खोल देते हैं, ये भी बाहर आ जाएगी, कुछ अपना दाना वगैरह खा लेगी। ये भी इसके बच्चे को भी बाहर निकाल लेते हैं। चलो भाई, इनकी जी डेली की ये रूटीन होती है, पहले छत पे आओ, सारा छत साफ़ करो और उसके बाद फिर इनका दाना वगैरह सारा होता है। शाम हो जाती है इस काम में सारी, और अभी थोड़ी देर हुई है मैंने छत साफ़ की और छत की हालत आप देखें, उन्होंने सारी दोबारा ख़राब कर दी है। ज़ोंबीज हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, इनको देखें आप, ये बिल्कुल छोटे छोटे हम लाए थे चूज़ों जितने, और अभी माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसको देखें अंदर फिर ये, इसने अंडा देना शुरू कर दिया, आज इसका दूसरा अंडा आ गया हमारे पास, वो भी जमा करेंगे फिर इंशाल्लाह, इसको भी बिठाएंगे अंडों पे। ये जी दूसरी मुर्गी बाहर आ गया, और ऐसा चूज़ा हमारे पास पहले भी एक बार आया था, उसका हमने नाम रखा था ओरियो, तो इसका भी आज से ना नाम हम रखेंगे ओरियो। ये भी वापस अंदर जा रही है इस मुर्गी की वजह से, ये जो है ना ये किसी का लिहाज नहीं करती है, सारों के ना बच्चों को मारती है, तो इस वजह से वो अंदर जा रही है। ये आप सारे खा लें तो इन्हें बंद करते हैं। पिजन्स हमारे जो हैं ये माशाल्लाह दाना खाने को लगे हुए हैं, ये देखें ये बच्चा भी नीचे आया हुआ है, इन सब के पर बांध के इन्हें बाहर छोड़ा करेंगे, फिर जब ये हिल जाएंगे तो फिर इन्हें जो है ना आज़ाद कर देंगे। ये देखें ये वाला ये चूज़ा है जी, इसकी माँ वो ब्राउन वाली थी, कालिया का बच्चा है ये, और इसकी माँ जिसकी थी वो वापस ले गया, और ये काफ़ी बीमार हो गया था, अब ये ठीक है माशाल्लाह पहले से, तो अब इसकी कोई जगह नहीं होती तो इसे मैं पास ही रखता हूँ, कभी रोटी वगैरह खिला देता हूँ या फिर इसे दाना मैं अपने हाथ से खिला देता हूँ, तो ये डरता भी नहीं है मेरे से इतना। अभी ये पिंजरे में बैठने की कोशिश कर रहा था, मैं उधर से देख रहा था, इसे बिठाते हैं पिंजरे पे, ये देखें पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है ये। ये देखें जी अभी मैंने पानी रखा है और वो छोटे बच्चे ने नहाना शुरू कर दिया पानी में, अब पास मैं इसलिए नहीं जा रहा, मैं पास गया तो ये पानी से बाहर आ जाएगा। ये देखें वो दूसरा भी उसे देख के आ रहा है नहाने के लिए, वो देखें वो भी पानी में उतर गया, मैं आगे जाऊंगा तो ये पानी से बाहर निकल जाएंगे। ज़ोंबीज मेरे पैरों में फिर रहे हैं कि मैं इन्हें खाने के लिए कुछ दूं, इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मेरे से जो हैं बहुत अच्छे टेम हैं, ये देखें अब इनको देख देख के ना छोटू गैंग भी आ रहा है, ऊपर से ये रानी भी आ गया, अब इसको पता है इसके बच्चों को मैं यही खिलाता हूँ, ये अपने बच्चों को बुलाने लग गया, ये आ गए जी। अभी जी छोटू गैंग को मैंने बंद किया, अब खोलते हैं कालिया को, ये उनके साथ नहीं मैं खोलता क्योंकि इसके नए पार निकल रहे हैं, और ये भी जो है ना डरता है, वो मारते हैं ऐसे और ये फिर ना जम करता है तो ये ज़ख्मी हो सकता है इस वजह से, ये देखा काफ़ी डर है इसमें भी, तो अभी इसको खोलते हैं, अभी ये यहाँ पे किसी से डरेगा भी नहीं और पार वगैरह भी सही कर लेगा अपने, अब वो नहीं खुले हुए ना तो ये मुर्गियों को तंग कर रहा है। चलो जी तो चले जी, सबका दाना पानी तो हो गया, आज की रूटीन को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी करिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।